लोकसभा चुनाव 2024 में विदिशा सीट बेहद अहम है। जहां से बीजेपी ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान तो कांग्रेस ने दो बार के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। विदिशा की जनता का क्या मूड है, नेटवर्क 10 की टीम ने हाल जाना। और यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी हैं। यह क्षेत्र पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा का भी गृह क्षेत्र है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी गृह क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से सुषमा स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी भी सांसद रही और यहाँ से स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सांसद रह चुके हैं। आई जानते हैं जनता का क्या है मूड। तिवारी जी, जो वर्तमान में सरकार है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? सरकार का कार्य, मोदी सरकार का कार्य बहुत अच्छा है और देश के हित में है, देश के विकास में भी सहयोगी है और बहुत बढ़िया कार्य है। बहुत योजनाएं ऐसे देश में, देश का अपना गौरव बढ़ा है। मोदी ने कुछ कार्य है, कुछ नहीं मतलब 90% ही ऐसे कार्य है जो देश के विकास में, देश की उन्नति में बहुत कारगर है। हमारा देश का सम्मान बढ़ा। एक दो योजनाएं बताइए जो गरीबों की योजना चल रही है। गरीबों की योजना है जैसे लाडली बहना है, जनधन मुद्रा योजना है, इससे सरकार आदमी से आम जनता के लिए अपने गृह जो भवन दिए हैं लोगों को, गरीबों को शौचालय योजना है, बहुत योजनाएं ऐसी जो आम जनता के हित में है। राजन साहब, जो वर्तमान में मोदी सरकार है, कैसे क्या काम कर रही है आप बताएं थोड़ा। मोदी सरकार की योजनाओं से सारा देश खुश है। उन्होंने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं जनता के हित के लिए चलाई हैं, किसानों के हित के लिए चलाई हैं, महिलाओं के हित के लिए चलाई हैं। उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए, जो महिलाएं अपने फेफड़े खराब कर लेती थी फूंक फूंक के, उससे उनको बहुत लाभ मिला है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि, उससे किसानों को फायदा मिला है। और भी अनेकों योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसी कई योजनाएं हैं जिससे लोग खुश हैं। उनसे आप एक किसी योजना का लाभ ले रहे हैं? आप या आपका परिवार? किसान सम्मान निधि का मेरे पास लाभ मिल रहा है और उज्ज्वला योजना का भी मुझे लाभ मिल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? यादव जी, जो वर्तमान में मोदी सरकार है, क्या रहा है, क्या क्या योजना का लाभ मिल रहा है आपको? लाडली बहना योजना, और आपको कुटीर वगैरह कुछ होती है? तो वर्तमान में किसको चाहेंगे आप, किसको वोट करेंगे? मोदी उचित मूल्य में अनाज खरीदने का काम कर रही है, किसानों के लिए पर्याप्त एमओ का पानी की सुविधा दी है हमारे लिए, तो हम इस सरकार से बहुत सकते हैं। यह तट पर पुजारी जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी, वर्तमान समय में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसका क्या कहेंगे आप, योजना को बता? नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। लाडली बहना योजना है, और जो गरीबों के जो कभी मकान ना बना पाते, उनके लिए कुटी जो मिली है, उससे सबसे अच्छा लाभ जो मिला है। फिर हमें राशन जो मिल रहा है, गेहूं चावल जो मिल रहा है, उसका भी लाभ मिला। कोरोना काल में भी नरेंद्र मोदी जी ने सबको बड़ा लाभ पहुंचाया, तो सबके लिए गेहूं चावल घर घर पहुँचाए गए, सबसे अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है नरेंद्र मोदी की। सबसे बड़ा काम हमारे बच्चे रामचंद्र जी का जो मंदिर का निर्माण हुआ 22 जनवरी को, वो सबसे बड़ा काम हो जो आज तक नहीं हो पाता, वो काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। अभी भी जो कहते हैं वो करके दिखाते नरेंद्र मोदी, जो उन्होंने कहा है गरीबों के लिए घर घर में उन्होंने सड़कें लाइट सब बिजली पहुंचाई है। नरेंद्र मोदी की योजना बहुत अच्छी है, सराहनीय है, उसके लिए हम जो है पक्षधर है नरेंद्र मोदी के लिए। जी भैया, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम राजन शर्मा है, विदिशा में रहती हूँ। वर्तमान मोदी सरकार है, जो योजनाओं का जो योजनाएं चला रही है, इस विषय में आपकी क्या राय बताएं? योजनाएं बढ़िया चल रही है, अभी कुटीर का भी हमारे लिए मतलब लाभ मिला है, और बाकी लाडली बहना योजना के बारे में बढ़िया अच्छा मतलब सरकार का, और साथ में जो मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना है वो भी बढ़िया चल रही है, और आगे देखते हैं कैसा क्या रहता है। वर्तमान में जो मोदी सरकार, क्या राय है आपकी? सरकार अच्छी चल रही है, देश का विकास हो रहा है, योजनाएं बहुत सारी चल रही है। मोदी छोटी मिल रही है, लाडली योजना चल रही है, किसको वोट करेंगे? मोदी। मैं विदिशा से गुड्डू करार, नेटवर्क 10।